To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब तक की जो लेक्चर हम डिस्कस कर चुके थे ऑन प्राइस, क्रॉस प्राइस और इनकम इलास्टिसिटी के ऊपर डिफरेंट मेथड, उसमें हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज़ गिवन थी, डेटा गिवन था, हम उसको फार्मूले में प्लेस करते और हम इलास्टिसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेते। अब हम डिमांड फंक्शन के थ्रू, यानी इक्वेशन हमारे पास गिवन हो, पूरा फंक्शन गिवन हो, उसके थ्रू हम इलास्टिसिटी कैसे मालूम कर सकते हैं ऑन प्राइस, क्रॉस प्राइस, इनकम, और उसको कैसे एस्टीमेट करते हैं, आज हम उसको देखेंगे। देखिए, जैसे अब तक हमारे पास टेबल और वैल्यूज़ गिवन थी जिनके थ्रू हम फार्मूला को यूज़ करते थे। अब हम देखने जा रहे हैं कि लेट सपोज़ अगर हमारे पास ये डिमांड फंक्शन गिवन है, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पी इज इक्वल टू 2, यानी प्राइस अगर 2 है तो इलास्टिसिटी मालूम करें। अब यहाँ पर बच्चे के जहन में आएगा कि एक तो एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैसे पता करें, एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी तो नहीं पता की जा सकती भाई। अच्छा चलो, क्यों नहीं पता की जा सकती, क्योंकि इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में आता है चेंज, और जब चेंज की बात करेंगे तो चेंज तो एक पॉइंट से नहीं निकल सकता। तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम किसी एक पॉइंट की बात करेंगे तो उससे मतलब एक पॉइंट नहीं होगा, हम उससे मतलब होगा वो पॉइंट और उसके साथ माइनर चेंज, इंक्रीज एक्स कर लें या डिक्रीज एक्स कर लें, आपकी मर्ज़ी। तो अब यहाँ पर हम उस माइनर चेंज यानी स्मॉल चेंज के थ्रू हम इलास्टिसिटी मालूम करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। और ये बात हमें पता है कि स्मॉल चेंज के लिए अगर हम पॉइंट फार्मूला भी इस्तेमाल करें तो वो फार्मूला हमारे लिए सूटेबल है। कैसे? जैसे सबसे पहले आप फार्मूला लिखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी इंटू पी ओवर क्यू, क्योंकि पॉइंट फार्मूला की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। अब सबसे पहले ये पता करना है डेल्टा क्यू और डेल्टा पी, डेल्टा क्यू और डेल्टा पी उसी सूरत में पता हो सकता है जब पॉइंट्स दो गिवन हो, अदरवाइज चेंज हम नहीं पता कर सकते। लेकिन अगर हम गौर करें कि अगर हम इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो देखें यहाँ पर क्या आएगा, डी क्यू डी ओवर डी पी, डी वाई ओवर डी एक्स होता है ना, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर अलग से लिखी हुई है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, माइनस कॉन्स्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखी हुई है तो एज इट इज़ रहेगी, और फिर अगर इसकी पावर वन है तो वन यहाँ लेके आएंगे, पी वन माइनस वन ज़ीरो, किसी चीज़ की पावर ज़ीरो हो जाए वो वन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसका आंसर बना कितना, माइनस टू। तो आप गौर से देखें, डी क्यू ओवर डी पी, इसको लिखा जा सकता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, ये आपके पास हमने वैल्यू फाइंड कर ली कितनी, माइनस टू, डायरेक्ट इक्वेशन से। तो अब हम इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, अब हमने डायरेक्ट डेल्टा क्यू और डेल्टा पी की वैल्यू मालूम की, माइनस टू डायरेक्ट ओनली। अब इनिशियल प्राइस उसने गिवन थी टू पे पता करें, तो प्राइस की वैल्यू तो आ गई, अब क्वांटिटी की मिसिंग है, कोई मसला नहीं है, टू उठा के यहाँ रख दें, जैसे ही टू आप यहाँ रखेंगे, टू इंटू टू फोर, यहाँ देखें ना, टेन माइनस टू पी, अब ये प्राइस टू हम यहाँ रख रहे हैं, 10 माइनस टू इंटू टू, टेन माइनस फोर बचेगा कितना, 6, तो क्वांटिटी की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास, 6, तो यहाँ आप रख दें 6 माइनस फोर ओवर 6, ये आंसर आएगा माइनस 0.6666, ये आपके पास आ गई क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स हमने देखा कि हमने ओन प्राइस इलास्टिसिटी कैसे पता कर ली। अब हम ये देखते हैं कि इस तरह की इक्वेशन को एस्टीमेट कैसे किया जाता है। देखिए स्टैटिस्टिक्स में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन, जो भी आप कह रहे हैं। अब इस रिग्रेशन को एस्टीमेट करने के लिए अगर मैं इसका जनरलाइज फार्मूला लिखूं तो वो ये होता है, वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अल्फा बीटा एस्टीमेट्स। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता करनी है, और गिवन क्या होता है, एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं ऐसे, जैसे ये एक्स की कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी, ये वाई की कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी,
तो अब अल्फा और बीटा की वैल्यू पता करें, अगर हमें इसकी वैल्यू पता लग जाए तो हम इस तरह की इक्वेशन खुद बना सकते हैं इस डेटा के थ्रू। तो अगर हम बीटा की बात करें तो हम वाई और एक्स के थ्रू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मूला, आप एक्स की जगह प्राइस और वाई की जगह क्वांटिटी एज्यूम करेंगे, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या पता कर सकते हैं, इस बीटा की वैल्यू। एन हम यहां बता चुके हैं, एन क्या है, शोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब रह गया अल्फा, बीटा तो पता है, अब रह गया अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू हम कैसे पता करें, अल्फा है हमारे पास वाई बार, वाई बार मीन ये जो वाई की वैल्यूज है इनका एवरेज, माइनस बीटा, बीटा वो जो यहाँ से निकाला है, और फिर आ गए हैं हमारे पास एक्स बार, एक्स बार यानी इस एक्स का एवरेज। तो ये आपके पास फॉर्मूला बना क्या, अल्फा की वैल्यू मालूम करने का। तो देखें, अगर आपके पास इस तरह का डेटा गिवन हो और आपको कहा जाए कि डिमांड फंक्शन को एस्टिमेट करें या डिमांड इक्वेशन फाइंड करें, तो आपने अल्फा और बीटा इस फॉर्मूले के थ्रू मालूम करके आपने इस तरह की इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। और फिर इसको अगर आप फॉरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहें कि भाई अच्छा बिहेवियर तो ये है, फंक्शन ये आ गया, अगर मैं प्राइस 200 रख दूँ तो क्वांटिटी डिमांड कितना होगा, अगर मैं प्राइस 50 रख दूँ तो क्वांटिटी डिमांड कितना होगा, तो बेसिकली ये रिग्रेशन इक्वेशन डिमांड फॉरकास्टिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और डिमांड फॉरकास्टिंग से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं हमारे रिग्रेशन के, वो उसके लिंक आपको एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो ये डिमांड फॉरकास्टिंग और रिग्रेशन से रिलेटेड लेक्चर्स वहां अवेलेबल है। हम जो दूसरी इलास्टिसिटीज हमने देखी थी, ओन प्राइस, क्रॉस प्राइस और इनकम, उन सबको अगर हम एक साथ इस्तेमाल करें इक्वेशन में तो हम कैसे पता कर सकते हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है कि क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 100 माइनस 2p, अगर ये QDX है यानी क्वांट, तो माइनस 2px यानी x की प्राइस, प्लस 3 प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, माइनस 4 इनकम, i स्टैंड्स फॉर इनकम। तो ये आपके पास इक्वेशन मौजूद है। अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी when px is equal to 2, income is equal to 1000 and 100 कर लें इसको, and ps is equal to 1। अब आपसे ही कहा जा रहा है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पता करें। अब फिर वही वाली बात ध्यान में रखनी है कि दूसरा पॉइंट तो है नहीं, तो नहीं है तो हमने मार्जिनल चेंज के साथ मालूम करने, जिसके लिए पॉइंट फार्मूला भी ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, हमने क्रॉस प्राइस का मतलब है QX को आपने PX से नहीं देखना, आपने सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट की प्राइसेस से देखना है, जो भी यहाँ गिवन है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट की प्राइस मौजूद है, तो यहाँ और इसका अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सबकी वैल्यूज भी गिवन है। तो सबसे पहले आप सबकी वैल्यूज को यहाँ प्लेस कर दें, PX 2 रख दें, इनकम 100 रख दें, PX कितना है 2, प्लस इससे तो पता करना है अभी माइनस 4 इनकम कितनी है 100 माइनस 4 प्लस 3PS माइनस 400, और ये बचा आपके पास माइनस 4 माइनस 300, ये बचेगा इसको हम 1000 कह लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। तो 1000 माइनस 600, 600 में सिर्फ अगर 4 माइनस करेंगे तो 596 प्लस 3PS, ये आ गई आपके पास QX, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पता करनी है, तो आपने डिफरेंशिएट किया
डिफरेंशिएट, क्योंकि हम क्रॉस प्राइस पता कर रहे हैं तो एक्स को देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस किसके चेंज होने की वजह से, वाई के प्राइस यानी सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट का, यहाँ सब्सटीट्यूट गिवन है, तो हमने क्या डी क्यू एक्स ओवर डी पी एस यानी किसी और कमोडिटी की, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाता है, प्लस थ्री पी एस इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर वन है सिर्फ थ्री बच जाएगा, तो आंसर आ गया थ्री। तो हमने चेंज इन क्यू और चेंज इन पी तो पता कर लिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली ये एक्स है तो ये सब्सटीट्यूट है कोई भी और कमोडिटी, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी हमें पता लग गया कितना, ये आपके पास आ गया थ्री। इनिशियल प्राइस आपको कितनी गिवन थी सब्सटीट्यूट की, कितनी वन, तो जब मैं यहाँ वन रखूँगा तो वन रखने से क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी 599। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 3 डिवाइड बाई 599.0050। अच्छा आंसर आप देख सकते हैं प्लस में आ रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी आंसर प्लस में आ रहा है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी अगर पॉजिटिव आ जाए तो रिकॉल करें गुड्स आपस में क्या है सब्सटीट्यूट है, और यही बात आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस क्रॉस दूसरी कमोडिटी की प्राइस का जो कोफिशेंट है उसका आंसर अगर प्लस आ रहा है तो उसका मतलब अल्टीमेट इसका आंसर प्लस में आएगा, तो गुड्स आपस जिसकी प्राइस ली हुई है वो आपस में सब्सटीट्यूट है। अगर ये किसी और प्रोडक्ट की प्राइस होती पी वाई होता और आंसर माइनस लगा हुआ होता तो आप समझ जाते ये दोनों आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्स है। तो इस तरीके से अगर हम इनकम इलास्टिसिटी की बात करें कि इनकम इलास्टिसिटी पता करके बताएं और आपसे कहा जाए कि आप बता सकते हैं कि ये गुड इस वक्त नॉर्मल है या इन्फीरियर है इस इंडिविजुअल के लिए, तो आप देखें नॉर्मल इन्फीरियर का ताल्लुक होता है किससे इनकम से, और अगर इनकम को आप देखें तो इनकम के साथ साइन यहाँ क्या मौजूद है माइनस का, इसका मतलब है इनकम के चेंज के साथ क्वांटिटी में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, इनकम अगर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है। इसका मतलब ये गुड की नेचर क्या है नॉर्मल इन्फीरियर में से इन्फीरियर गुड, क्योंकि इन्फीरियर होती है इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। दूसरी कमोडिटी ये प्राइस से पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है इसका मतलब गुड आपस में सब्स्टिट्यूट है, और इनकम के साथ नेगेटिव वाला रिलेशनशिप आ रहा है तो इसका मतलब है वही गुड उसी वक्त क्या है इंफीरियर कमोडिटी है। तो आई होप ये डेरिवेटिव्स और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कांसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।